गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काजल एजुकेशन वर्ल्ड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का टॉपिक है एलिजाबेथन लिरिक्स एंड सोनेट। ये बीए पार्ट वन का पेपर वन का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछता है, सेक्शन वन से। तो देखते हैं, क्वीन एलिजाबेथन फर्स्ट कम टू द ड्रॉप ऑफ इंग्लैंड इन 1588 एंड रिजाइन फॉर द 45 ईयर्स। ये जो एलिजाबेथन फर्स्ट जो है, ये जो है इंग्लैंड की जो है 1588 के लेरेज फॉर थी 45 ईयर्स की। द पीरियड सो द फॉलोइंग ऑफ द रेनासेंस स्पिरिट ऑफ इंग्लिश। ये जो पीरियड है, ये फॉलोइंग और रेनासेंस स्पिरिट का पीरियड है जो कि इंग्लैंड का था। हर कल्चर अचीवमेंट फॉर एक्साइटेड। ये जो है इसका जो कल्चर है, ये अचीवमेंट किया था, अचीवमेंट इंग्लैंड में किया गया था। दोज ऑफ फ्रांस हाईलैंड एंड जर्मनी, और ये जो है फ्रांस और जर्मनी से है। हर रीजन वॉज म्यूचुअल बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ पीस। ये जो है बहुत ही लंबा टाइम का पीरियड था और प्रॉपर्टी था एंड प्रोग्रेस था। फॉर मेनी ईयर्स नो इन्वेंशन फॉरवर्ड इंग्लैंड, और ये जो है मेनी ईयर्स था, नो इन्वेंशन था, इंग्लैंड का था। द वनली ग्रेट अटैक ऑन इंग्लैंड वॉज बाय स्पेन्स एंड द डिबेट ऑफ द स्पेनिश आर्मेडा इन द 1588 मेट इंग्लैंड। और ये जो इसका जो स्पेन था, यानी कि इंग्लैंड का जो स्पेन था, ये डिबेट था, स्पेनिश आर्मेड था, और इसका जो है 1588 ईस्वी में मेट हुआ था, यानी कि बना था इंग्लैंड में। इंग्लैंड द रूल ऑफ द वेज फील द फर्स्ट वर्ल्ड वार, और ये जो है इसका जो रूल, यानी कि नियम कानून जो था, वो फर्स्ट वर्ल्ड वार का था, यानी कि पहली बार जब वार मतलब कि युद्ध हुआ था। द नेशनल स्प्रिट रोज टू अनवांटेड इ द थॉनसियन एंड द ग्रो इन पेटियन फॉर द एडवेंचर एंड द एक्सपेंशन। ये जो है थॉनसन जो है ग्रोप किया था, एडवेंचर था एंड एक्सपेंसिव था, यानी कि ये जो है काफ़ी एक्सपेंसिव था, यानी कि महंगा था। द नेशनल स्प्रिट ब्लॉम इन ऑल वॉक ऑफ द लाइफ एंड वॉज रिफ्लेक्टेड इन द लिरिकल इम्पूल ऑफ द राइट। और ये जो है नेशनल स्प्रिट ब्लूम जो था, इसका वॉल्क था लाइफ, यानी कि जीवन का था, रिफ्लेक्टिव था, लिरिकल इम्प्रूव था, और ये लिखा गया था। सेंस एलिजाबेथ एज प्रोडक्ट ए रिच हार्वेस्ट ऑफ लिरिकल सॉन्ग एंड सोनेट। एलिजाबेथ जो था इसको जो है ना प्रोड्यूस, यानी कि प्रोडक्ट किया गया था, एक रिच हार्वेस्ट था लिरिकल, यानी कि सॉन्ग था, सॉन्ग और सोनेट था। द एलिजाबेथन एज देयर फॉर इज ए ग्रेट ऑफ लिरिसियम। एलिजाबेथ जो था ये एक महान, यानी कि ग्रेट एज ऑफ लिरिसियम थी। द इमोशनल फ्रीजी वॉज डिसप्लेसमेंट थॉट सोनेट। और ये जो है इमोशनल फ्रीजी सोनेट था। सॉन्ग एंड अदर लिरिक, यानी कि गाना और अदर संगीत, यानी कि गीत, लिरिक का मतलब होता है गीत। द थीम ऑफ लिरिकल पोइट्री, यानी कि पोइट्री का जो थीम है वो लिरिकल पोइट्री था। लव वॉज द फर्स्ट सब्जेक्ट, और इसका जो है प्यार मतलब कि लव जो था वो फर्स्ट सब्जेक्ट था ऑफ एलिजाबेथन लिरिक, यानी कि लिरिक पोइट्री का जो थीम है उसका जो है ना, उसका जो सब्जेक्ट जो था वो फर्स्ट सब्जेक्ट उसका था लव था। लिरिक ऑफ द फैशन ऑफ एलिजाबेथन एज, और लिरिक का जो फैशन था वो एलिजाबेथन एज का था। The Elizabethan lyric were not heavy and were the expression of the holiday mood. एलिजाबेथन का जो लिरिक्स था वो नॉट हैवी था, यानी कि वो काफ़ी हैवी नहीं था। वेयर द एक्सप्रेशन, और उसका जो एक्सप्रेशन था हॉलीडे मूड था। Some of the prominent lyric poet, यानी कि कुछ lyric poet जो था वो महान था, मतलब कि प्रसिद्ध था। एलिजाबेथन एज वेयर एसमट स्पेंसर एंडमंड कस्प, यहाँ MUND होगा।
वेयर एज एंडमन स्पेंसर था, सर वॉल्टर रेविस था, फिलिप सिडनी था, नाइकोल ब्रिटोन था, सर एडवन था, डायर थॉमस लॉर्ड रॉबर्ट साउथ, फिलिप सिडनी, नाइकोलस ब्रिटन, सर एडवन, डायर थॉमस लॉर्ड रॉबर्ट साउथवेल, हेनरी कॉस्टेबल, सैम्यूल डानिस, माइकल ड्राइडन, थॉमस कैंपन एंड सर जॉन डेविस इटिस। यानी कि ये सारा जो राइटर का मतलब कि भी जो नाम लिए जितना भी, ये सारा एलिजाबेथन सोनेट के टाइम का राइटर मतलब कि पोइट है। थॉमस कंपिसन इज सर थॉमस इटीसी। द फेमस लिरिक ऑफ एलिजाबेथन पीरियड आर स्पेंसर टू सेलिब्रेटिंग मैरिज। यानी कि इस एलिजाबेथन पीरियड का जो है फेमस लिरिक जो है ये एलिजाबेथन पीरियड का था, जो कि ये स्पेंसर था टू, और ये जो है ना टू सेलिब्रेट किया गया था मैरिज को। देयर आर स्पिथेलिनेशन एंड द प्रोथेलिमिशन थॉमस कैम्पसन इन हीज कैरी डिस्क्राइबेस द ब्यूटी ऑफ हीज विलव इन टर्म ऑफ फ्लावर्स ऑफ द गार्डन। यानी कि इसमें जो है, यानी कि थॉमस कैम्पसन जो था, ये जो है डिस्क्राइब किया गया था किसको, यानी कि ब्यूटी, यानी कि फ्लावर ऑफ गार्डन का जो ब्यूटी है उसके प्रति जो उसका विलव यानी कि प्यार था, उसको जो है इसमें इसमें बोला गया है, इसके बारे में डिस्क्राइब किए गए हैं। द सोनेट एज ए फॉर्म ऑफ पोइट्री वॉज बिलव इन द थर्टीन सेंचुरी बाय पोट्रेरिट एंड द डांटे। ये जो सोनेट का जो फॉर्म है, सोनेट का जो फॉर्म पोइट्री है, ये थर्टीन सेंचुरी पोट्रेट किया गया था एंड डांटे के द्वारा। इन द 15th century सोनेट बिकम वेरी पॉपुलर। यानी कि 15th century का जो सोनेट था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यानी कि फेमस था। एड्रेसेस ही सोनेट ऑफ लव टू लायरा एंड द डांटे टू बेंट्रिक बाय द 16th century। यानी उसके बाद 16th century आता है सोनेट स्प्रिट टू स्पेन एंड फ्रांस। यानी कि सोनेट का जो स्प्रेन था वो स्पेन और फ्रांस का था। इट मेड इट्स वे टू इंग्लैंड थ्रू द अर्ली ऑफ श्योरली वर्टेड इन इंपॉर्टेंट इमोशनल एंड पैसन। और ये जो अर्ली ऑफ का जो था वो इमोशन था और पैसन था। फिर फॉर एवर एंड द एंथोसियम टू पोइट्री। He introduced the voyage of writing love sonnet and left behind 31 sonnet operas excellent। उसके बाद मतलब इसको पोइट्री को जो है एंथोसियम में जो था ये इंट्रोड्यूस जो किया गया था राइटिंग लव सोनेट था, यानी कि ये लव सोनेट था और इसको लेफ्ट बिहाइंड यानी कि 31 सोनेट जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सेलेंट था या काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद द एज ऑफ क्वीन एलिजाबेथन प्रोड्यूस एज रिच वैरायटी। उसके बाद यहाँ मतलब इस एज की जो क्वीन थी एलिजाबेथन जी, वो जो है प्रोड्यूस की गई थी वो एक रिच वैरायटी ऑफ सोनेट था आफ्टर सिडनी। यानी कि उसके बाद सिडनी जो है द सोनेट वेयर नॉट पोर्ट्रेट वैन इन द थीम एंड द स्टाइल। उसके बाद सोनेट जो है वो पोर्ट्रेट किया गया था थीम और स्टाइल को। इस टेन ऑफ एन ऑक्टेव एंड सक्टेव। यानी कि सोनेट जो है दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया था। फर्स्ट था ऑक्टेव जो 8 लाइन का होता है, उसके बाद है सक्टेव जो 6 लाइन का होता है। द एलिजाबेथन यूज 4 स्टेंजा। और इसमें जो है ना 4 स्टेंजा एलिजाबेथन जो है ये 4 स्टेंजा यूज किया गया था। ए सोनेट देन कॉन्सिस्ट टू थ्री क्वांट्रेंस एंड ए कॉपलेट एंड द एंड। सोनेट जो है उसका जो कॉन्स्टेंट था वो थ्री क्वाट्रेंस था और वो एक कॉपलेट था यानी कि कॉपलेट पोएम था और इंड एट द इंड था। इन शॉर्ट द सोनेट ऑफ एलिजाबेथन एज सूट ऑल रिचेस एंड वैरायटी ऑफ ए गुड पोएम। उसके बाद ये जो शॉर्ट इन द शॉर्ट यानी कि सबसे छोटा जो सोनेट था वो एलिजाबेथन एज जो था वो रिचेस था एंड वैरायटी था और गुड पोएम था। आफ्टर यानी कि उसके बाद वॉल्ट एंड आफ्टर वॉल्ट एंड सियोरनी सर फिलिप सिडनी पॉपुलराइज सोनेट। उसके बाद फिलिप सिडनी जो था उसका सोनेट जो काफ़ी पॉपुलर था। ही
ही कंपोज, ही कंपोज 108 सोनेट, और ये जो फिलिप सिडनी है वो कंपोज, ये जो है ना 108 सोनेट को कंपोज किया गया था, कंपोज मतलब 108 सोनेट को लिखा गया था, एंड 11th 11 सॉन्ग, और जो है ना 11 सॉन्ग था, ऑल पुट इन एरिस्टोफल, एरिस्टोफल एंड सिथिला, और ये जो 11 सोनेट था, और उसको जो ऑल पुट जो था एरिस्टोफल एंड सिथिला था। उसके बाद है आफ्टर सिडनी एंड वन ब्लड, आफ्टर सिडनी एंड वन फ्लड ऑफ सोनेट इन इंग्लैंड, यानी कि आप सिडनी जो था उस एंडवर्न जो था उसका सोनेट जो था इंग्लैंड का था। एंडवर्न स्पेंसर प्रोड्यूसेस ए कलेक्शन ऑफ 58 सोनेट, और इसका जो है ना एक कलेक्शन था जिसमें कि 58 सोनेट था, कॉल्ड एमोरेटी एमोरेटी एमोरेटी, जिसे कि 58 सोनेट का जो कनेक्शन था उसे एमोरेटी कहा जाता था। सम ऑफ देन आर टू ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन फ्रॉम द इटेलियन, और इसका जो ट्रांसफॉर्लेशन जो था वो इटेलियन का था। दे वियर इंस्पायर्ड बाय द लव एंड एलिजाबेथन बाइबल हु, बाइबल हु बिकम हिज वाइफ द नेक्स्ट ईयर सोनेट, वो एलिजाबेथन का जो बाइबल था जो उसकी जो वाइफ थी वो नेक्स्ट ईयर जो है ना सोनेट ऑफ स्पेंसर है रिलीजन टोन, यानी कि धार्मिक टोन में था। अनदर नोटेबल सोनेट यानी कि अदर सोनेट के बारे में देखते हैं, ऑफ द एज वॉज हेनरी कॉन्स्टेबल, यानी कि सोनेट का जो एज था वो हेनरी कॉन्स्टेबल के टाइम दे, ही रोट ए नंबर ऑफ लव सोनेट, यानी कि ये जो है नंबर ऑफ लव सोनेट पब्लिश किया गया था, पब्लिश ही सोनेट सिक्वेंस एज ए डायना, डायना नेक्स्ट टू कॉन्स्टेबल, कॉन्स्टेबल वॉज सैम्यूल सैम्यूल जॉनसन हु ऑल्सो बिकम फेमस, यानी कि वो जो पब्लिश जो हुआ था वो सोनेट सिक्वेंस के टाइम में पब्लिश हुआ था डायना, और नेक्स्ट कॉन्स्टेबल यानी कि कॉन्स्टेबल था वॉज सैम्यूल सैम्यूल डामिल्स, ये राइटर है, हु आल्सो मतलब कि ये पोइट्री है, पोइट है, हु आल्सो बिकम फेमस यानी कि वो काफ़ी फेमस था, ही फॉलोवर्स टोसेस मॉडल फॉर हिज कलेक्शन ऑफ सोनेट कॉल्ड डीलिया डीलिया, और ये जो है इसका जो कलेक्शन था यानी कि फॉलोवर्स का जो कलेक्शन था सोनेट का जो कलेक्शन उसे डीलिया या डीलिया डीलिया कहते थे। दिस सोनेट आर इंस्पायरेशन बाय लव आर द एड्रेसेस टू एन इमेजिनरी मिस्ट्रेट, इमेजिनरी मिस्ट्रेट, हाउ एवर डांस प्ले इज नेवर स्ट्रॉन्ग एंड पेसिनेट, और ये सोनेट का जो एड्रेसेस था ये इमेजिनरी था, मिस्ट्रेट था, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग और पेसिनेट था। शेक्सपियर इज बाय फॉर ए वेरी ग्रेट नेम एज ए सोन एज ए एज ए सोनेटर, यानी कि शेक्सपियर जो है वो जो है ना वेरी ग्रेट था, यानी कि इस टाइम का जो है ना काफ़ी ज़्यादा फेमस यानी कि ग्रेट नेम नाम में से उसका नाम आता था। ही इज़ 54 सेनेट, और शेक्सपियर जो था वो टोटल 54 सेनेट को लिखा था। वेयर पब्लिश इन 16 16,000, और ये 54 सेनेट को जो है पब्लिश किया था 16,000 में पब्लिश किया था। द एंटायर कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर, और ये इंटायर कलेक्शन शेक्सपियर का जो एंटायर कलेक्शन था, एंड सोनेट एग्जिस्ट ऑफ टू क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड सीरीज ऑफ सोनेट, और ये जो कलेक्शन था इसका शेक्सपियर का वो एग्जिस्ट था, क्लियरली था, डिस्टिंग्विश्ड सीरीज सोनेट था। द फर्स्ट सीरीज 1 to 125 इन एड्रेसेस टू ए यंग मैन, और ये इसका जो एक से लेकर 25 तक का जो एड्रेसेस था वो यंग मैन का था। द सेकेंड सीरीज, और जो ये जो सेकेंड सीरीज जो था वो 127 से लेकर 154 यानी कि 127 से लेकर 154 तक का था इन एड्रेसेस, और इसका जो एड्रेसेस था टू एन अननोन डार्क डार्क लेडी, यानी कि डार्क लेडीज के बारे में था, हु बेट्रेड द पोइट फॉर ए डार्क लेडी, और उसमें जो है डार्क लेडीज के बारे में वो बेट्रेड करता है, हु बेट्रेड द पोइट फॉर ए यंग मैन, और वो यंग मैन के बारे में भी पोइट कुछ कहता है। ट्रू लव इज वन ऑफ द फेमस सोनेट, और ये जो सोनेट था वो ट्रू लव था और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था। कंपोज बाय शेक्सपियर, जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। इन दिस सोनेट द से, तो ये आज इतना ही है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया, ये आप लोग के एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, एग्जाम में आएगा तो आप उसको लिख सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो या फिर कुछ डाउट हो तो कमेंट में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।